अगर आप भाई का रियली में मजाक उड़ाना चाहते हो तो फिर आज का वीडियो आप लोगों के लिए है। बिकॉज फाइनली मैं खेलने वाला हूँ प्ले अननोन्स बैटल ग्राउंड्स पबजी। फुल फॉर्म नहीं पता, एक्चुअली मेरे को भी मालूम नहीं था। मैंने गूगल पे सर्च किया, देन मेरे को पता चला एक यूट्यूबर। एनीवेज मजाक तो उड़ा सकते हो, लेकिन साथ ही साथ आज का ये वाला वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि पबजी खेलने वाला हूँ यार। शुद्ध नूब हूँ मैं, स्वागत नहीं करोगे हमारा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि सिर्फ पबजी खेलने वाला हूँ, लेकिन खास क्यों है? देखो, शायद आपने डिफरेंट स्मार्टफोन्स पर पबजी गेम को खेल चुके होंगे, लेकिन क्या आपने कभी स्टाइलस स्मार्टफोन पे खेलकर देखा पबजी को? स्टाइलस स्मार्टफोन बोले तो यहाँ पर जो कंपनी अपने स्मार्टफोन के साथ एक स्मार्ट पेन भी प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से राइटिंग वगैरह कर सकते हो अपने स्मार्टफोन पर, उसी के साथ ही साथ ड्राइंग्स वगैरह, उसके बाद फोटो एडिटिंग बहुत ज्यादा हैंडी हो जाता है ना, बहुत ज्यादा छोटा रहता है। बेसिकली यहाँ पर सैमसंग के नोट सीरीज पर आपको इन टाइप के स्टाइलस पेन प्रोवाइड करता है कंपनी वाले, लेकिन औकात नाम का भी एक चीज होता है। सो मैंने यहाँ पर सैमसंग का तो डिवाइस परचेस नहीं किया, मैंने यहाँ पर परचेस किया है अभी के मार्केट का सबसे सस्ता स्टाइलस स्मार्टफोन। इतना सस्ता लाइक आप इसको 10,000 के बजट में आप परचेस कर पाओगे? 10,000 में स्टाइलस स्मार्टफोन सोचना भी गलत हो। लेकिन इन्फिनिक्स ने 2 साल पहले ये वाला काम किया था। एक्चुअली इसका प्राइस था उस टाइम पे 17,000 रुपए, 17K, लेकिन अभी ये 2 साल बाद घट के हो चुका है। इसका प्राइस अमेजोन पे 10,000 के आसपास है अभी इसका प्राइस। सो मैंने इसको परचेस कर लिया क्योंकि शौक था थोड़ा सा, और देखना भी था कि एक्चुअली में ये काम कैसा करता है। और हाँ, अभी ये सोच के अपना एनर्जी वेस्ट मत करो कि ये वीडियो इन्फिनिक्स ने स्पॉन्सर किया है। अगर आप ये सोच रहे हो भी, तो आपका सोच बहुत ही ज्यादा गलत है। 2 साल पुराना स्मार्टफोन कौन प्रमोट करेगा आजकल, और वो भी मेरे से कुछ ज्यादा हो रहा है ना आजकल, बहुत ज्यादा हो रहा है, मेरे को पता है। वेल, आज इस स्मार्टफोन पर हम खेलने वाले हैं पबजी। खालो सब्जी, खेलेंगे अबजी। एज यू कैन सी कि यहाँ पर जो है मैंने पबजी नामक एप्लीकेशन को, गेम ही है लेकिन इससे पहले ये एक एप्लीकेशन है, सो मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है। वेल, अभी इसके नीचे होता है वो पेन, स्टाइलस पेन, ऐसे करके दबाने से यहाँ से वो पेन जो है वो निकलता है, और फटाक से यहाँ पर कुछ इस टाइप का एक पॉपअप जो है आपको शो करता है। सो अब इसको करते हैं क्लोज। मैं एक्चुअली बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि अगर मैं इस पेन के मदद से गेम को खेलता हूँ तो फिर कैसा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है। लेट्स से हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आकाश और आप देख रहे हैं टेक्निकल्स का यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं, और उसी के साथ वीडियो को लाइक कर देना, लाइक कर देना ठीक है, अच्छा लगता है बहुत ही ज्यादा। ओपन करते हैं पबजी, ठीक है। बहुत से लोगों को अभी सेटिस्फेक्शन मिलेगा बहुत ही ज़्यादा। म्यूजिक ही कुछ ऐसा है ना, सो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर पबजी गेम को जो है ओपन कर लिया है, एंड अभी करेंगे स्टार्ट गेम को। आपको विश्वास नहीं होता ना, ये देखो एक प्योर नूब का प्योर परिचय। सो अभी स्टार्ट करते हैं। इस स्मार्टफोन पे आपको हल्का सा लैगिंग देखने को मिल सकता है पबजी में, क्योंकि हीलियो P26 को शायद यूज किया गया है इस पे। सो उतना ज्यादा स्मूथ तो नहीं होगा, लेकिन काम चलता है जैसे कि आप देख सकते हो। एक्चुअली मैं लेफ्ट हैंड से इस वाले पोर्शन को मैं कंट्रोल करूंगा, और राइट साइड से मैं इस पेन से जो है कंट्रोल करने वाला हूँ, ठीक है। पबजी का ये वाला पार्ट बहुत सही लगता है मेरे को। स्काई डाइविंग उतरने में इतना टाइम लगता है क्या, पता नहीं था मेरे को। सो ये लो जी, हो गया। अभी इस साइड से हम पेन से जो है कंट्रोल करने वाले हैं, ठीक है। अबे अगर मैं ऐसे ऐसे करता हूँ तो फिर टच काम नहीं करता, लेकिन अगर मैं हाथ से करता हूँ तो फिर यहाँ पर टच काम करता है दोनों हाथों से। ये देखो, यहाँ पर जब भी मैं पेन को यूज करता हूँ तो फिर, अच्छा अब समझ में आया। अबे 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 मेरे को आता नहीं, लूटना पड़ेगा। हाँ मार डाल मेरे को, आज तो मार ही डाल। यहाँ पर जब भी मैं पेन को पास लाता हूँ तो फिर, अबे यार हिलता नहीं। जब भी मैं एक साइड पे या फिर किसी भी पोर्शन पे यहाँ पर पेन को पास में लाता हूँ तो फिर जो है ये वाला साइड एकदम से फ्रीज हो जाता है, काम ही नहीं करता। ये देखो, काम नहीं करता क्योंकि अभी पेन अभी पास में है, लेकिन अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो फिर ये देखो अभी काम करता है, पास पे लाता हूँ तो फिर काम नहीं करता। हमसे ना हो पाएगा, नहीं। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन है क्योंकि स्टाइलस पेन एक स्मार्ट पेन है। स्मार्ट लाइक जब भी आप इसको डिस्प्ले के सामने लाते हो तो फिर आप एक चीज फॉलो कर पाओगे कि यहाँ पर जो है
मैंने यहाँ पर इसको टच भी नहीं किया, लेकिन ये जो है ऊपर से ही यहाँ पर डिटेक्शन करना जो है स्टार्ट कर देता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है मैंने इसको टच भी नहीं किया, लेकिन ये ऊपर से जो है डिटेक्ट कर लिया है डिस्प्ले ने कि अभी जो है स्मार्ट पेन या फिर स्टाइलस वाला जो पेन है वो भी काम पे लग चुका है। ऐसा एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि जब आप इस स्टाइलस या फिर स्मार्ट पेन को यूज करते हो तब ये जो स्मार्टफोन है वो आपके फिंगर्स का जो टच है उसको रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है। क्योंकि मान लीजिए कि आप ऐसे करके हाथ को स्क्रीन के ऊपर रख के कुछ भी लिखते हो तो फिर तो ऐसा हो जाएगा ना कि आपके हाथों का टच लग के यहाँ पर जो राइटिंग है वो एकदम से खराब हो जाएगा, लाइक काम ही नहीं होगा यहाँ पर कुछ भी, और ये स्मार्टफोन को पता है। अभी आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि यार ये पेन को लाइक डिस्प्ले के दूर से कैसे डिटेक्ट कर पा रहा है। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको दिखाया इलेक्ट्रिक फील्ड नामक एक चीज है जिस वजह से कोई भी स्मार्टफोन को आप टच कर पाते हो आपका टच वो ले पाता है, क्योंकि हमारे शरीर पर भी थोड़ा सा वो है। एज एन एग्जाम्पल आप किसी भी बैटरी सेल को अगर आप यूज करते हो टच के हिसाब से तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे तरीके से जो है बैटरी के माध्यम से आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि बैटरी पर भी वो है। लेकिन इस वाले मार्च है पे ये वाला चीज कुछ ज्यादा ही है और स्मार्ट चिप भी लगा हुआ रहता है जिससे कि ये पर्टिकुलर ये वाला स्मार्टफोन ही इसको डिटेक्ट कर पाता है। मैंने अपने दूसरे डिवाइस पर भी ट्राई करके देखा था, काम नहीं करता, सिर्फ इसी डिवाइस पर काम कर रहा है। सो स्टाइलस स्मार्टफोन पे उसका जो पेन है उसको लेकर पबजी खेलने का आइडिया एकदम से घटिया है। और हाँ ऑफ कोर्स मैंने इसको एज एन एक्सपेरिमेंट पर्पस आपको दिखाया कि क्या होगा कि अगर आप एक स्टाइलस फोन पे उसका जो स्टाइलस पेन है उसको यूज करके पबजी को खेलते हो। चिकन डिनर कभी नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए कि आपने इसको यूज करके गेम खेलना स्टार्ट कर दिया तो फिर जो आप का दूसरा वाला हाथ है उसका कोई भी फायदा नहीं होगा आप जितना भी टच करोगे, क्योंकि ये अभी पास है ना, बंद कर देता है सब कुछ। सो यस, ये था एक एक्सपेरिमेंटल टाइप का वीडियो। आपको कैसा लगा मेरे को पता नहीं, कमेंट करके बताने से मेरे को पता चल जाएगा। और कमेंट करके मेरे को ये भी बताना कि क्या आपको इन टाइप के वीडियोस और भी चाहिए, लाइक एक्सपेरिमेंटल टाइप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के साथ। और डेफिनेटली इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हो कि लाइक देख यार स्टाइलस स्मार्टफोन पर पेन को यूज करके खेलने से कोई फायदा होने वाला है नहीं, लाइफ प्रूफ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो फिर सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को, वैसे करना सब्सक्राइब, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है आप लोगों को। सो यस, मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। सो गुड बाय।